इन जून गांधी व समंड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू समन मैंने बुलाना कोर्ट है समंड मैंने बताया सरकारी न्यायालय का आदेश जो होता है वो समन कहलाता है जहां भी सरकारी आदेश ही था तो इट इज कॉल्ड समन्स गांधी व समंड टू सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका आदेश आया कि हमसे मिलो बिफोर ही वेंट टू लीडिंग एसोसिएट्स बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न इससे पहले कि वो वहां जाते बिफोर ही वेंट इससे पहले कि वो जाते गांधी जी ने लीडिंग एसोसिएट अपने Uh, मुख्य सहयोगियों से मुलाकात की जिनमें वकील भी थे जिसमें शायद कुछ किसान भी थे उन लोगों से मुलाकात एसोसिएट मतलब सहयोगी उसी से बना एसोसिएशन जिसमें सब सहयोगी लोग रहते हैं सो ही मेट लीडिंग मतलब नामी लीडिंग प्लेयर लीडिंग क्रिकेटर लीडिंग बैट्समैन तो इसका मतलब नामी एंड अगेन लेट डिटेल्स प्लान और उन्होंने फिर से एक डिटेल प्लान बनाया जैसे उन्होंने वकीलों के लिए बनाया था जोड़ी जोड़ी में कि यदि मैं जेल गया तो आप लोग इस क्रम में जेल आओगे पकड़ाए तो पकड़े गए तो गिरफ्तार किए गए तो इस बार गांधी ने फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के पहले सविनय अवज्ञा की तरह ही एक फिर योजना बनाई प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न यदि वापस में नहीं आया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास से तो आप लोग सविनय अवज्ञा ऐसे करोगे ऐसा उन्होंने प्लान अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ मिलकर बना लिया लेकिन प्लान में क्या था सविनय अवज्ञा गांधी हेड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज गांधी के चार बड़े लंबे दौर चले वार्ता के प्रोट्रेक्टेड मतलब लंबे प्रोट्रैक्टेड सिस्टम लंबा चलने वाला तो so, किनके साथ दौर चले ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर गेट के साथ हु रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी और इन चार दौर का परिणाम क्या हुआ एज ए रिजल्ट मतलब के परिणाम स्वरूप इस चार लंबे दौर की बातचीत के वार्ता के परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई कमीशन ऑफ इंक्वायरी किस लिए उसका उद्देश्य क्या था इन टू द इंडिगो क्रॉपर सिचुएशन इंडिगो नील की खेती करने वालों की जो स्थिति थी उसको लेकर एक समिति बनाई उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कहा गांधी एक योजना बना के गए थे कि यदि मैं गिरफ्तार हुआ तो ऐसे सविनय अयोध्या करना और कहा दूसरी ओर परिणाम कुछ और दिखा लंबी वार्ताओं के परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर राजी हो गए एक समिति बनाने के लिए हु Their situation, देअर means शेयर क्रॉपर जो इंडिगो शेयर क्रॉपर थे नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी स्थिति का अध्ययन करेगी सिचुएशन मने स्थिति उनकी माली हालत के बारे में जानकारी लेगी समस्याओं के बारे में जानकारी लेगी उसके निराकरण का रास्ता देखेगी आदि आदि। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंड लॉड टू कंसिस्ट ऑफ मतलब शामिल होना कंसिस्ट ऑफ मतलब शामिल होना होना हिस्सा होना द ट्रिप कंसिस्ट ऑफ द पिकनिक कंसिस्ट ऑफ टेन स्टूडेंट टू टीचर्स एंड प्रिंसिपल ये जो पिकनिक है इसमें दस विद्यार्थी हैं दो शिक्षक हैं और प्रिंसिपल हैं तो टू कंसिस्ट ऑफ माय बैग कंसिस्ट ऑफ दीज आइटम्स मेरे बैग में ये ये चीजें शामिल हैं तो so, यहाँ पर द कमिटी कंसिस्टेड ऑफ लैंड किसान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी उसमें कुछ जमींदार थे कुछ सरकारी अधिकारी थे और अकेले गांधी जो शेयर क्रॉपर्स के एकमात्र प्रतिनिधि थे सोल माने एकमात्र एस ओ एल ई -E, सोल सोल माने जूते का सोल भी होता है जिसे नीचे जूते के नीचे लगा रहता है और एक होता है एस ओ एल सोल सोल माने आत्मा तो यहां पर सोल मतलब क्या होता है एकमात्र एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसानों के गांधी भी कमेटी में थे गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ सेवन मंथ्स। टू रिमेन मने होना, जैसा मैंने पहले बताया अन इंटरप्टेड मने निर्बाध बिना किसी ब्रेक के लगातार देर इज एन अन इंटरप्टेड रेन इन रायपुर फॉर द लास्ट सेवन डेज गत सात दिनों से निर्बाध गति से बिना रुके लगातार बारिश हो रही है अन इंटरप्टेड टू इंटरप्ट मतलब बाधा पहुंचाना। डोंट इंटरप्ट इन माई इशू मेरे मामले में बाधा मत पहुंचाओ। तो यहाँ पे अन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ सेवन मंथ बिना किसी ब्रेक के व्यवधान के खलल के गांधी सात माह रह गए चंपारण में एंड अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स और उसके बाद कई छोटी छोटी यात्राएं अलग से की उन्होंने यात्राएं बहुत बार की चंपारण उन्होंने ये क्यों हुआ होगा वो जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसकी जांच जो चल रही थी उसमें सहयोग देने के लिए गांधी का नाम था और गांधी तो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में थे तो बहुत महत्वपूर्ण थे वो साथ माह और उसके ऊपर से और बहुत बार चंपारण की उन्होंने यात्रा की द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ये वो यात्रा थी जो चलते फिरते में ले ली गई थी कैजुअली हल्के में ली गई थी डोंट बी कैजुअल बी सीरियस हल्का फुल्का मत लो थोड़ा गहरे बनो बी सीरियस तो गांधी ने तो चंपारण जाने की बात बड़ी कैजुअली मानी थी ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड प्रेजेंट एंट्रीटी मतलब अनुरोध विनम्र अनुरोध बहुत जो बहुत आ, बहुत उसके साथ जो अनुरोध करते हैं उसे एंट्रीटी कहते हैं बहुत तीव्र अनुरोध वो एंट्रीटी कहलाता है एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड प्रेजेंट एक अशिक्षित किसान के बारंबार अनुरोध पर तो गांधी गए थे वहां वो अशिक्षित किसान कौन था याद है आपको राजकुमार शुक्ला जिसका नाम पूर्व में आया है इन द एक्सपेक्टेशन इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद लास्ट मतलब आखिरी नहीं टू लास्ट मतलब तक रहना आई हैव मनी इट विल लास्ट फॉर अंदर थ्री मंथ मेरे पास इतना पैसा है कि अगला तीन माह चल जाएगा पापा डोंट वरी आई हैव द स्टॉक ऑफ राइस एंड व्हीट इट विल लास्ट फॉर अनादर फोर मंथ मेरे पास चावल और गेहूं का स्टॉक है जो अगले चार माह तक चलेगा चिंता नहीं करो टू लास्ट फॉर मतलब कितने दिन चलना केवल लास्ट मतलब आखिरी एंड लास्ट फॉर टू लास्ट फॉर मतलब चलना इतने दिन पैदल नहीं चलना उतने दिन तक के लिए होना द विजिट अंडरटेकन कैजुअली बड़ी सहजता से लिया था गांधी ने इस यात्रा को जब वो अशिक्षित राजकुमार शुक्ला उनके पास आया था इस उम्मीद में कि इट वुड लास्ट फॉर ए फ्यू डेज कुछ दिन की बात है बट इट ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट एयर ऑफ गांधी लाइफ लेकिन ऑक्यूपाई होना मतलब व्यस्त रखना लेकिन उसने गांधी के एक वर्ष ले लिए गांधी ऑक्यूपेशन मतलब धंधा ऑक्यूपेंसी मतलब कितनी कैपेसिटी है धंधा ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपाई मीन्स जगह लेना द थॉट ऑफ माई पेरेंट्स इलनेस हैज ऑक्यूपाइड माई माइंड मेरे पेरेंट्स की बीमारी ने मेरा दिमाग ले लिया है मेरे दिमाग में जगह ले ली अर्थात मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में सोच रहा हूँ उनकी बीमारी के बारे में सोच रहा हूँ तो हियर इट वास्ट फ्यू डेज गांधी थॉट गांधी को लगा कि कुछ दिन होगा ये बार बार बेचारा शुक्ला बोल रहा है और मेरे साथ साथ सब जगह गया है इस उम्मीद में कि मैं उसको हाँ बोलूँगा चलो चलता हूँ कुछ दिन का मामला है वापस आ जाऊँगा लेकिन लुई फिशर कहते हैं इट ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधी लाइफ वहां तो लगभग बारह माह लग गए द ऑफिशियल इंक्वायरी जो कमीशन बना था असेंबल ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स असेंबल करना मतलब इकट्ठा करना उसी से बना असेंबली जो इंक्वायरी कमिटी थी उसने माउंटेन ऑफ एविडेंस इकट्ठा किया एविडेंस मतलब उदाहरण माउंटेन उदाहरणों का पहाड़ एविडेंस मतलब उदाहरण नहीं एविडेंस का मतलब होता है uh, क्या बोलेंगे यार साक्ष साक्ष एविडेंस का मतलब होता है साक्ष तो उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए किनके खिलाफ अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स इंडिगो प्लांटेशन नील की खेती में जो बड़े बड़े प्लांटर्स इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ उनके अत्याचार के खिलाफ एंड व्हेन दे सॉ दिस दे ग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द प्रजेंट और जब दे मींस व्हाट प्लांटर इंडिगो से संबंधित जो प्लांटर थे उन्होंने जब देखा कि इतने सारे साक्ष्य इन किसानों ने इस इंक्वायरी कमीशन को उनके खिलाफ दिए हैं तो घबरा गए माउंटेन ऑफ एविडेंस एंड वेन दे सॉ दिस दे एग्रीड वो राजी हो गए किस बात पे राजी हो गए उसूलन इन प्रिंसिपल मतलब उसूलन सिद्धांत स्वरूप यहां देखिए प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिए और स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग अलग होती है खुद आप देखें उसकी स्पेलिंग क्या है और ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग है सिद्धांत इसका मीनिंग है सिद्धांत तो सिद्धांत था ये इंडिगो प्लांटर्स जो थे जो इंडिगो की खेती करवाते थे वो असूलन इस बात पे राजी हो गए कि हम किसानों को उनका पैसा वापस कर देंगे आखिर सारा आरोप पैसों का ही तो था गलत तरीके से पैसा जो किसानों से लिया जा रहा था पंद्रह प्रतिशत शेयर और भी कई गड़बड़ियां थी हम इन्हें वापस कर देंगे इस बात पर एक तैयार हो गए कौन इंडिगो प्लांटर्स बट हाउ मच मस्ट वी पे हम कितना दें यह उन्होंने गांधी से पूछा कि ठीक है भाई सिद्धांत तो हम तैयार हैं लेकिन हम कितना इनको दें पूरा पैसा वापस करें कितना वापस करें दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड टू एक्सटॉर्ट मतलब किसी से निकलवाना एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है वसूली करना आपने सुना होगा जबरन वसूली मतलब एक्सटॉर्शन बदमाश लोग करते हैं कई बार राहगीरों से जबरदस्ती वसूली करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं केवल पैसा लेना और दूसरे के पैसे पेशो आराम करना सो so, यहाँ पर प्लांटर्स को लगा कि गांधी से जब हमने पूछा कि कितना पैसा हम वापस करेंगे तो जवाब आएगा कि पूरा पैसा जो आपने इलीगली कानूनी रूप से और डिसीटफुली डिसीटफुली मतलब धोखा देकर किसानों को धोखा देकर इसमें कई तरह के धोखे थे जिसका जिक्र मैं नहीं करता पर आज भी कई बार आप गांव में पाओगे कि किसानों के साथ बड़े धोखे करते हुए जमींदार लोग आज भी पैसा उगालते हैं और वो प्रथा उस समय भी थी पर बहुत बड़े स्तर पे थी तो धोखे से जो पैसा हमने कमाया है जो इनसे जबरदस्ती वसूली की है यह पूरा का पैसा पूरा का पूरा पैसा हमें वापस करना होगा ऐसा जवाब आएगा गांधी का डिसीटफुली एक्सटॉर्शन जबरन वसूली विच दे हैड illegally डन विथ शेयर क्रॉपर्स लेकिन ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे यह भी चौंक गए गांधी का जवाब सुनकर गांधी से उन्होंने पूछा कि भाई कितना पैसा और उनको लगा कि गांधी कहेंगे भाई पूरा पैसा जो आप लोगों ने इलीगली लिया है तो गांधी क्या कहते हैं ही आस्ड ओनली फिफ्टी परसेंट उन्होंने कहा जितना आपने गलत तरीके से इन लोगों से पैसा लिया उसका केवल पचास प्रतिशत दे दीजिए देर ही सीम्ड एडामेंट एडामेंट मतलब अड़ जाना ऐसा लगा पचास प्रतिशत पे गांधी अड़ जाएंगे मतलब गांधी पचास प्रतिशत कम पे नहीं मानेंगे टू बी एडामेंट डोंट बी बी एडामेंट थोड़ा सा नम्र हो इतने जिद्दी मत बनो इतने अड़ियल मत बनो एडामेंट मतलब अड़ियल तो दे थॉट कि गांधी पचास प्रतिशत पे अड़ जाएंगे ये कौन लिखता है ये लिखता है एक जे एस हॉज नाम का एक ब्रिटिश मिशनरी जो वहां ईसाई धर्म का प्रचारक था पादरी था वो लिखता है कि गांधी के सोच को लेकर कुछ शंका थी और इंडिगो प्लांटर्स को लगा कि गांधी जी पचास प्रतिशत बोलेंगे और उस बात पे अड़ जाएंगे सो राइट्स रेवरेंड जे एस हॉज ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण मिशनरी मैंने जैसा मैंने बताया फादर पादरी ईसाई धर्म का प्रचारक जो वहाँ रहता था वो भी इस घटनाक्रम को देख रहा था उसका नाम था जेड जे जेड हॉज रेवरेंड मतलब आदरणीय क्रिश्चियनिटी में जैसे हमारे हिंदी धर्म में संत बोलते हैं इस्लाम धर्म में मौलवी बोलते हैं ऐसे क्रिश्चियन धर्म में रेवरेंट फादर बोलते हैं तो रेवरेंट फादर हॉज ने लिखा है कि ऐसा लगा कि गांधी जड़ जाएंगे पचास पे ऑब्जर्व एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज एपिसोड मतलब घटनाक्रम ऑब्जर्व मैंने देखना क्लोज रेंज मतलब निकट से जिसने पूरे घटनाक्रम को देखा था पूरा घटनाक्रम चंपारण में गांधी का आना फिर चम किसानों का आना फिर न्यायालय न्यायालय के बाद उग, एलिफेंट से पकड़ के लाना और ये सब पूरा घटनाक्रम जो बड़े निकटता से वो फादर देख रहे थे उसको लगा कि गांधी जी पचास पड़ जाएंगे Thinking probably that he would not give away. To give away, Matlab baat maan lena. Give or way dono ke different meanings. But give, to give away, Matlab baat maan lena. To I gave way. Finally, mein baat maan gaya. That Gandhi would not give away. Gandhi baat Maninge, The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. जो प्लांटर्स के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा 25 प्रतिशत हम आपको दे देंगे वापस कर देंगे और ये मानते हुए कहा कि गांधी जी उनकी बात नहीं मानेंगे दे गांधी वुड नॉट गिव अवे उन्होंने 25 कहा और लगा उनको कि शायद ये गांधी 50 बोलेंगे हम 25 बोलेंगे तो 50 पे फाइनली बात तय होगी तो गांधी वुड नॉट गिव अवे इस शंका के साथ उन्होंने कहा वी विल रिफंड एक्सटेंट ऑफ 25 परसेंट एंड टू हिज अमेजमेंट और जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड जब गांधी ने उसकी बात मान ली गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड मतलब शब्द बा शब्द उसने गांधी ने उसकी बात स्वीकार कर ली आई टेक यू बाय वर्ल्ड मैं तुम्हारी पूरी बात स्वीकार करता हूं देखिए कितना बढ़िया उपयोग है टू टेक सम वन बाय वर्ड मतलब पूर्ण रूप से स्वीकारना तो गांधी टुक हिम बाय वर्ड दस ब्रेकिंग द डेड लॉक डेड लॉक मतलब एक ऐसा जहां जिससे आगे कुछ रास्ता ना दिखे तो गांधी ने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से अमेजमेंट टू तो बी अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से गांधी ने उनकी बात शब्द ब शब्द स्वीकार कर ली कौन सी बात कि 25 प्रतिशत हम रिफंड करें वो तो ये सोच के गए थे हम 25 बोलेंगे गांधी 50 मानेंगे और 50 पे अड़ जाएंगे यहां गांधी ने एक बार में उनकी बात उनका अनुरोध स्वीकार किया और बोले ठीक है 25 प्रतिशत दे दो अब आपको लग रहा होगा ये क्यों हुआ ऐसा गांधी क्यों इस बात मान मान गए और वो भी पच्चीस फीसद इतना बड़ा आंदोलन किया पूरा पैसा लेना था गलत पैसा तो पूरा पैसा दें लेकिन इसके पीछे भी गांधी की एक मान एक सोच थी ऐसी ही सोच ने उन्हें किसानों का मसीहा बनाया ऐसी ही सोच ने उन्हें वकीलों का मसीहा बनाया ऐसी ही सोच ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में विजयी दिलाई और ऐसी ही सोच ने अब यहाँ पर जमींदारों को भी उनके पक्ष में कर दिया दिस सेटलमेंट वॉज एडोप्टेड यू नैनी मछली बाय द कमीशन यू नैनी मतलब एक रूप से एक स्वर में ये जो सेटलमेंट मतलब सहमति ये जो सहमति हुई 25 पचीश प्रतिशत की और जिसे गांधी ने शब्द ब शब्द एक बार में स्वीकार कर लिया एडॉप्ट करना मतलब स्वीकार करना दिस सेटलमेंट वॉट एडोप्टेड यूनैनी मछली एक मत से सब लोगों ने इस सेटलमेंट को स्वीकार कर लिया गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट लोगों ने पूछा होगा आपके मन में भी आया होगा मेरे मन में भी आया था कि गांधी पच्चीस प्रतिशत पे क्यों राजी होगा जब लोगों ने पूछा तो गांधी ने कहा एक्सप्लेन किया कि अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट कितना पैसा वापस मिलेगा यह मेरे लिए कम महत्वपूर्ण है फैक्ट लैंड लॉर्ड द पार्ट ऑफ मनी मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लैंड लॉर्ड अब अपने पैसे की कमाई का एक हिस्सा सरेंडर समर्प देने के लिए तैयार हो गया नहीं तो जमींदार ये लोग किसी के सामने झुकते नहीं थे कितना तीव्र विरोध कर रहे थे गांधी का जब गांधी और उनकी इंक्वायरी कमेटी किसानों से बातचीत कर रही थी वैसे जैसे अंग्रेज किसी के सामने झुकते नहीं थे उनको गांधी ने न्यायालय में झुका दिया स्विनय अवज्ञा से ऐसे यहाँ भी गांधी ने कहा मेरे लिए पैसा वापस लेना पूरा जरूरी नहीं था वो इम्पॉर्टेंट नहीं था वो महत्वपूर्ण नहीं था ज्यादा महत्वपूर्ण था किसानों को ये महसूस करा देना कि हम जमींदारों को झुका दिए और जमींदारों को ये महसूस करा देना कि तुमसे हम कुछ पैसा निकाल सकते हैं हम जितना चाहें हम में उतनी ताकत है और साथ ही साथ उनका दिल जीत लेना कि हम पूरी तरह तुमसे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सा तुमने खर्च कर दिया होगा ठीक है इतना दो हैड बीन ओब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज और गांधी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं थारेंडर मतलब 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 ऐसी स्थिति में ले आना टू बी ओब्लाइज आई एम ओब्लाइज टू यू मैं आपके प्रति ऋणी हूं आई एम ओब्लाइज टू यू बिकॉज यू हेल्प मी इन टाइम जब मुझे जरूरत थी आपने मुझे मदद की इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं तो टू बी ओब्लाइज टू मतलब ऋणी होना सो हैड बीन टू सरेंडर द पार्ट ऑफ मनी लैंड लॉर्ड लोग को पैसा उनकी जेब से पैसा निकलवाना ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था और साथ ही उनका जो उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको थोड़ी चोट पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट था उनको महसूस कराना कि ये तुम्हारी प्रतिष्ठा अपने पास रखो किसानों के सामने मत बताओ तुम्हारी प्रतिष्ठा किसानों के बल पर है और इतना अपने को बड़ा मत समझो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता ऐसा गांधी ने एक तरीके से मानो 25 प्रतिशत पर सहमत होकर ये सब मैसेज दे दिया इसलिए प्रेस्टीज मतलब मैंने बताया प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया साथ ही किसानों से पैसा निकलवाना जमींदारों से पैसा निकलवाना ये क्षमता साबित करना भी संभव हो गया देयर फॉर एज फार एज प्रजेंट आर कंसर्न जहां तक किसानों की बात है सो फार एज एज फार एज मतलब जहां तक एज फार एज मतलब जहां तक एज फार एज किसान वेर कंसर्न जहां तक किसानों की बात है द प्लैटर्स हैड बिहेवड एज लॉर्ड अब ऑफ द लॉ अभी तक ये जो प्लैटर्स थे इनका व्यवहार मानो ऐसा था कि ये कानून से ऊपर है बिहेव डर लॉर्ड अब लॉ मानो एक कानून से ऊपर हैं ऐसा बर्ताव इन किसानों के साथ करते थे अब वो व्यवहार भी बंद हुआ उन्हें अपनी औकात पता लग गई वे अब धरातल पे आ गए नाउ द फार्मर सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स अब किसानों को महसूस हुआ उन्होंने देखा कि उनके अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों के रखवाले भी हैं डिफेंडर मतलब रक्षा करने वाले गांधी और वो वकीलों की दल जिसमें राजेंद्र बाबू थे और सहाय थे और बहुत से लोग थे तो अब अब किसानों को राहत मिली उनको उनमें कॉन्फिडेंस आया उनका विश्वास जागा नाउ देंट सॉ एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज और किसान को लगा उसको साहस दिया उसने सीखा साहस क्या होता है करेज मतलब साहस बहादुरी राइट्स डिफेंडर्स करेज तीनों चीजों से अब मिलेंगी या उसकी हैं इस पर अब विश्वास जागा किसानों का ये चंपारण की घटना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है इस अध्याय से आपको पता लग रहा है इवेंट जस्टिफाइज गांधी पोजिशन जस्टिफाई करना मतलब न्यायोचित ठहरना आने वाली घटनाएं गांधी की जो स्टैंड था गांधी ने जो निर्णय लिया था फीस को लेकर पैसे के रिफंड को लेकर और जो हिडन मैसेज छुपा हुआ जो उन्होंने मैसेज उनकी गतिविधि में था उससे गांधी का ये जो व्यवहार था वो तर्क संगत लगा न्यायोचित लगा विद इन ए फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स देयर एस्टेट टू अबंडन करना मतलब त्याग देना छोड़ देना आई हैव दिस हाउस दिस बिल्डिंग इज अबंड बिल्डिंग ये भवन जो है ये अब है सब ने त्याग दिया है कोई नहीं रहता कोई रहने वाला नहीं है ऐसा भवन है तो आने वाले दिनों ने साबित कर दिया कि गांधी ने जो निर्णय लिया था रिफंड को लेकर और आ, आ, उसके तहत जो मैसेज देना चाहते थे वो कितना सही था ये आने वाले दिनों ने साबित कर दिया कैसे कुछ ही वर्षों में जो प्लांटर्स थे अंग्रेज प्लांटर्स जो अभी तक इन किसानों को चूस रहे थे अत्याचार कर रहे थे उन्होंने वो जो एस्टेट्स हैं वो जो जमीनें थी उसको छोड़ दिया उसको छोड़ के चले गए क्योंकि तो अब कुछ फायदा नहीं हो रहा था कुछ मुनाफा नहीं हो रहा था अत्याचार कर नहीं पा रहे थे किसान अब जाग चुके थे जागरूक हो गए थे अपने अधिकारों के प्रति उनके रखवाले आ गए थे गांधी और वकीलों के रूप में और किसान अब बहादुर हो गए थे सचेत हो गए थे सजग हो गए थे परिणाम क्या हुआ कि कुछ वर्षों में ये लोग अंग्रेज प्लांटर्स चले गए एंड दे रिवर्टेड टू पेजेंट्स और इस प्रकार ये जो जमीन है ये अब किसानों को वापस चली गई रिवर्ट करना मतलब वापस जाना रिवर्ट बैक टू वॉट यू सेड तुमने जो कहा था उसको वापस दोहराओ रिवर्ट रिवर्ट मतलब पुनः दोहराओ तो अब ये जो जमीन है पुनः किसानों को वापस चली गई जिसको प्लांटर्स ले लेते थे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसऐपियर्ड और इस प्रकार इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी जो प्रथा थी बहुत बुरी थी जिससे परेशान थे किसान लोग उसका परिणाम था जिसके परेशानी से पर जिससे के कारण शुक्ला नाम का व्यक्ति गांधी को मिलने जाता है लखनऊ उनके साथ साथ पूरा देश घूमता है और फिर अनुरोध करता है समय मिलने पर कि गांधी चंपारण आइए अब ये बात यहाँ पर रुकती है और शेयर क्रॉपिंग की जो प्रथा थी बुरी प्रथा वो समाप्त हो जाती है सो ए बिग चेंज कम्स आउट ऑफ नथिंग कहाँ एक शुक्ला मिलने गया और कहाँ इतना बड़ा बदलाव आ गया लेकिन ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस गांधी कभी भी बड़े स्तर पर कोई राजनीतिक या आर्थिक बदलाव या समस्याओं के प्रति नहीं थे चिंतित वो नहीं वो हमेशा ऐसा नहीं था कि वो बड़ी ही समस्याओं के पीछे भागेंगे नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ टू बी कंटेंट विथ मतलब संतुष्ट होना गांधी कभी बड़ी समस्याओं के लिए ही संतुष्ट होंगे उनको लेकर उनके निराकरण का ऐसा नहीं था ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण उन्होंने चंपारण में सांस्कृतिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयां, सांस्कृतिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन उसे निकट से देखा चंपारण के गांव में एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली और चाहते थे कि इसके लिए कुछ तुरंत किया जाए गांधी बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए नहीं थे के बड़ी आर्थिक समस्याओं को ही देखें बड़े राजनीतिक समस्याओं में उलझें उनके लिए छोटी समस्याएं भी बहुत महत्वपूर्ण थी चंपारण की समस्या उनकी नजर में शुरू में बड़ी छोटी समस्या थी लेकिन वो सोचते थे कि छोटी समस्या से ही बड़ी निराकरण निकलते हैं सो हियर नाउ गांधी वॉन्ट टू चेंज सोशल लाइफ कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ चंपारण ही अपील्ड फॉर द टीचर्स उन्होंने टीचरों के लिए अपील की किनको महादेव देसाई और नरहरी पारिक टू यंग मैन हुईन गांधी डिसाइपल डिसाइपल मनी शिष्य ये दो व्यक्तियों ने नरहरी पारिक और महावीर देसाई ने महादेव देसाई ने जो गांधी के शिष्य थे उनको उन्होंने अपील किया परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये दोनों व्यक्ति शिक्षकों से अपील की तो ये दो व्यक्ति और इनकी पत्नियां वॉलंटियर फॉर द वर्क टू वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवा देना बिना किसी तनख्वाह की उम्मीद किए बिना किसी सुख सुविधा ऐशो आराम की उम्मीद किए मुफ्त में अपनी शिक्षा देने के लिए समर्पित होना उसे कहते हैं वॉलंटियर सो देसाई पारिक एंड देयर वाइफ्स दे केम फॉरवर्ड टू गिव फ्री

बंबई से आए और देश के विभिन्न भागों से अब आ गए कहाँ चंपारण के आसपास क्यों गांधी के अनुरोध पे शिक्षकों के अनुरोध पर क्यों अनुरोध किया था वहां सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए उन्होंने जो अनुरोध किया था उसका परिणाम हुआ कि ये लोग आए देवदास जो गांधी का यंगेस्ट सन था ही अराइव फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी गांधी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम देवदास था जो आश्रम में रहता था और गांधी जी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी ये भी अब आ वहां पढ़ाने के लिए गांधी की अपील पर अनुरोध पर प्राइमरी स्कूल ओपन प्राथमिक शालाएं खोली गई इन सिक्स विलेजेस छह जिलों में प्राथमिक शालाएं खोली गई और कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स और सबके काम बांट दिएगा जिसमें कस्तूरबाई को आश्रम के नियमों को पढ़ाने का आश्रम के नियमों को बताने का उसकी जिम्मेदारी दी गई जहां तक कस्तूरबा की बात है आश्रम के नियमों के अलावा सफाई क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन सैनिटेशन मतलब जैसे सुलभ शौचालय आप सुनते हैं टॉयलेट्स कम्युनिटी टॉयलेट ऐसे टॉयलेट जहाँ पर जो किसी एक परिवार या एक व्यक्ति के नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए बना है तो ऐसे कम्युनिटी टॉयलेट की सफाई व्यवस्था के लिए की बातें कस्तूरबा कर गांधी करती थी पढ़ाती बताती थी साथ ही सफाई की महत्ता बताती थी और उसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स में आश्रम के क्या नियम हैं इस पर भी प्रकाश डालती थी लोगों को बच्चों को समझाती थी हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल मतलब शोचनीय दयनीय स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी शोचनीय दयनीय थी गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेस गांधी ने एक डॉक्टर को बुलाया जिसने स्वयं सेवा देने के लिए अपने को सामने लाया फॉर सिक्स मंथ्स छः माह के लिए स्वयं सेवी डॉक्टर की एक सेवा ली गांधी ने जो वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार लाएगा लोगों के स्वास्थ्य में बदलाव लाएगा थ्री मेडिसिन वेयर अवेलेबल और तीन दवाइयाँ उपलब्ध थी पहला कैस्टर ऑयल देखिए दवाइयों कैसी थी कैस्टर ऑयल दूसरा कुनैन और तीसरा सल्फर ऑइंटमेंट ये तीन दवाइयों के रूप में वहां पे उस डॉक्टर के द्वारा स्वास्थ्य सुधार के नाम से लाई गई थी एनी बडी हुए कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल ऐसा भी कोई व्यक्ति हु शोड जिसके जीभ में कुछ लेयर दिखाई दे कोटेड कुछ खराबी दिखाई दे तो उसे क्या दिया जाता था ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल का एक चम्मच उसे दे दिया जाता था ये इलाज था एनी बडी विथ मलेरिया रिसीव्ड कुनैन जिसे कुछ मलेरिया होता था उसे कुनैन नाम की दवाई दे दी जाती थी और साथ ही कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था एनीबडी विथ स्किन इराप्शंस इराप्शंस माने जो घाव घाव हो जाता है जो निकल जाता है फुंसी फुंसी जैसा चमड़ी में जो स्किन की बीमारी रिसीव्ड ऑइंटमेंट उसे ऑइंटमेंट दिया जाता है, तो सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, यानी इन तीन दवाओं से अधिकतर बीमारियों का इलाज और उस ग्रामीण पृष्ठभूमि में अधिकतर लोगों को यही बीमारियां थी तो कम से कम इन मुख्य बीमारियों से जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी पेशेंट की उस वो तो हटेंगी और ये तीन दवाइयाँ था एक डॉक्टर था और छः माओ रहने वाला था तो इस प्रकार स्वास्थ्य का जमा एक डॉक्टर के हाथ और तीन दवाइयों के बल पर वहाँ पे ले लिया गया गांधी डिड नॉट स्टॉप हियर कस्तूरबा पढ़ा रही थी महादेव पढ़ा रहे थे उनके दोनों शिष्य पढ़ा रहे थे उनकी वाइफ पढ़ा रही थी डॉक्टर को ले आए पर गांधी यहाँ रुके नहीं और आगे बढ़े ही नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स फिल्थी मतलब बुरी बहुत गंदी बहुत ही गंदी स्थिति थी महिलाओं के कपड़ों की जैसा सैनिटेशन मैंने बताया सफाई से संबंधित टॉयलेटरी से संबंधित इरप्शंस मतलब फुंसियां चमड़ी में जो हो जाती है स्किन में हो जाती हैं ऐसे ही फिल्थी मतलब बहुत गंदी तो गंदी साड़ियों की जब हालत देखे कपड़ों की हालत महिलाओं के तो गांधी का ध्यान गया ही आज कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट उन्होंने कस्तूरबा को कहा कि भाई इन महिलाओं से इस अपने गंदे कपड़ों के बारे में भी बात करो उनके गंदे कपड़ों के बारे में बात करो ही आज आज मतलब पूछना नहीं आज मतलब कहना उन्होंने कस्तूरबा को कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट इट मीनस अबाउट द डर्टी क्लोथ्स फिल्थी क्लोथ्स वन वुमन टूक कस्तूरबाई इन टू हर हट जब कस्तूरबाई महिलाओं को बता रही थी गंदी साड़ियों के बारे में तो एक महिला उनको ले गई अपने हट में हट मने झोंपड़ी शी टुक कस्तूरबाई इन टू हट अपने हट में ले गई अपनी झोंपड़ी में ले गए और कहा लुक देर इज नो बॉक्स यहां कोई बॉक्स नहीं रखा है देर इज नो कबर्ड कबर्ड मैंने आपको बताया था पहले भी कबर्ड मतलब रैक उसकी हम लोग कब्बर्ड बोलते हैं जिसे वो एक्चुअली कबर्ड है और उसकी स्पेलिंग देखिए कप प्लस बोर्ड बट प्रोनाशिएशन इज कबर्ड तो यहां कोई बॉक्स नहीं रखा है देखिए यहां कोई कबर्ड नहीं रखा है कपड़ा रखने के लिए द सारी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव जो साड़ी मैं पहन रही हूं, वह एकमात्र साड़ी मेरे पास है ये उसने कब कहा जब कस्तूरबाई इन महिलाओं को गंदी साड़ी को लेकर लेक्चर दे रही थी तो वो महिला थोड़ी सी विचलित हो गई और उसने कहा कस्तूरबाई आइए मेरे कमरे में मेरे मकान में मेरी झोपड़ी में और देखिए यहाँ का दृश्य ना आपको कोई बॉक्स दिखेगा ना कोई यहाँ पे कबाड़ दिखेगा जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ ये जो साड़ी मैं पहनी हुई है, अकेली साड़ी है जो मेरा कपड़ा है ऐसा कहके वो सफाई देना चाह रही थी बताना चाह रही थी कि हमारे कपड़े यदि गंदे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास कपड़े और नहीं हैं ज्यादा धोने के लिए हम इसमें ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते समय नहीं दे सकते ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण चंपारण के अपने लंबे निवास के दौरान गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम गांधी ने अपनी पैनी नजर आश्रम पर भी रखी थी वर्धाश्रम या साबरमती आश्रम वो बार बार संपर्क में थे सतत रूप से वहां की व्यवस्था को लेकर वहां के नियम कानून के पालन को लेकर आदि आदि गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच वॉच मतलब नजर लॉन्ग डिस्टेंस नजर दूर नजर रखे थे ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल चिट्ठी से वो लगातार इंस्ट्रक्शंस भेज रहे थे रेगुलरली एंड आज फॉर फाइनेंशियल अकाउंट और साथ ही लगातार हिसाब भी मांगते थे खर्च का आश्रम में आया हुआ पैसा उसका खर्च और उस खर्च का विवरण गांधी के द्वारा लगातार समय समय पर मांगा जाता था आश्रम के उन लोगों से जिनका काम था हिसाब रखना रेसिडेंट्स ऑफ आश्रम दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन दैटरिन टेंश्रम के रहने वालों को एक बार लिखा भी कि अब समय आ गया इट वॉज टाइम टू फिल इन ओल्ड लैटरिन ट्रेंच जो लैट्रिन के लिए जो पुराने गड्ढे बनाए गए ट्रेंच मैने गढ़ा ट्रेंच मैने ग्ढे पुराने जमाने में गड्ढों में लोग लेटरिन करते थे बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे उसमें लेटरिन करते थे और फिर जब वो भर जाता था तो पाट देते थे ये पब्लिक सैनिटरी इंडिया में भारत में थी तो गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि पुराने गड्ढों को भर दिया जाए टू फिल इन ओल्ड ट्रेंचे एंड डिग न्यू वंस और डिग करना मतलब खोदना और नए वाले खोद लिए जाएं बिकॉज द ओल्ड वंश विगिन टू स्मेल बैड क्योंकि अब पुराने वालों से अब दुर्गंध आने लगेगी अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस पुराने वाले दे विड बिगिन टू स्मेल बैड अब वहाँ से दुर्गंध आने लगेगी इसलिए समय आ गया है कि अब पुराने गड्ढों को पाट दिया जाए और नए गड्ढे बनाए जाए इसका मतलब क्या है लुई फिशर बताना चाह रहे हैं कि चंपारण में भी रहते हुए नजर गांधी की अपने आश्रमों में थी पूरी पैनी नजर थी हिसाब किताब पर कानून के पालन अनुपालन पर वहां की जरूरतों तो पर और वहां के हिसाब पर और उसके साथ ही साथ साफ सफाई पर इसी साफ सफाई का उदाहरण देते हुए लुई फिशर इस ट्रेंच की बात कर रहे हैं ट्रेंच का अर्थ गड्ढा